दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कांटेक्ट रूल के बारे में। नो कांटेक्ट रूल क्या होता है? जब आपका पार्टनर आपसे अलग हो जाता है, आपसे बात करना नहीं चाहता है, वो आपसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहता है, फिर इसमें हो सकता है उसकी गलती हो सकता है आपकी गलती हो, लेकिन आप कैसे उस पार्टनर को अपनी ज़िंदगी में वापस से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं आपको टोटल 4 डूज यानी कि 4 तरीके बताऊंगा कि आपको जो करने हैं, और एक डोंट बताऊंगा यानी कि जो आपको बिल्कुल नहीं करना है, और लास्ट में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक आपको एक ऐसी स्पेशल टिप शेयर करूंगा जिससे कि आपका जो पार्टनर है वो अभी तो आपके पास वापस आ जाएगा और जिंदगी भर आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। मैं भी यही टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ, इसी टिप का इस्तेमाल करता हूँ, और मेरा मेरे पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बनता है। मेरा भी ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा है, जब हम नो कांटेक्ट रूल पे थे तब मैंने उनको कैसे मैनिफेस्ट किया था, वो सारी चीजें मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। जब आपका पार्टनर आपसे अलग हो जाता है, आपसे बात करना नहीं चाहता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जब आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप सही नहीं बनता है तब आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, परेशान होते हैं, और उस वक्त आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, खुद पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कि आपकी हेल्थ, आपका जो करियर है, आपका जो भी बिजनेस है, उस पर फर्क पड़ने लगता है, यानी कि रिलेशनशिप से बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होने लगती है। तो आपको खुश होना चाहिए कि अभी नो कॉन्टैक्ट हो गया है, यानी कि आपको एक स्पेस मिल गया है कि आप उनको अपनी जिंदगी में वापस से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला डू क्या है कि आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। जी हाँ, मैं जो भी आपको बताऊंगा वो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आपको ये सारी टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी है अगर आप वापस उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वापस से अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं और एक पक्का रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो आपको सेल्फ लव करना है कि यानी कि जो भी आप अपनी लाइफ में अभी कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि उनको पता नहीं चल रहा होगा कि मैं उनके बारे में कितना सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, और वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर मेरे से गलती हो गई है, ये सारी चीजें आप सोच रहे होंगे। लेकिन इस वक्त जितना ज्यादा आप खुद पे ध्यान देंगे, सेल्फ लव करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, और आपके वाइब्रेशंस बढ़ेंगी तो क्या होता है ना कि हम जो रियलिटी में होते हैं और जो क्वांटम रियलिटी में होते हैं, ठीक है, तो उसमें फर्क होता है। ठीक है, अभी आपकी जो एनर्जी है, जो आप उनको बार बार मैसेज कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो उनको वो सारी चीजें पता चल रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि उनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, वो आपकी लाइफ में वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, वो आपसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही इस सिचुएशन को क्रिएट किया है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो क्वांटम रियलिटी है, यानी कि हम सब जो हैं एक एनर्जी है, ठीक है, हम सब एक ही एनर्जी है, और जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं उनके बारे में, डेस्परेशन की फीलिंग या फिर लव की फीलिंग बहुत ही कम हो गई है, वो सारी चीजें उनको पता चल रही है, इसीलिए वो और दूर भाग रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है सबसे फर्स्ट। सेकेंड क्या है कि आपको डोंट, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है वो क्या है, आपको डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना है। इस वक्त अगर आप डेस्परेट होते हैं तो आपकी एनर्जी उनकी तरफ कैच होगी, उनको पता चलेगा कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं ज्यादा, तो उनको क्या लगेगा कि इसका कोई काम नहीं है, ये वेल्ला है और इसके पास कोई काम नहीं है और ये सिर्फ मेरे को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है, तो उनको क्या लगेगा कि ये नेगेटिव वाइब्रेशन में है और वो नेगेटिव वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं रहना चाहेंगे, इसीलिए वो आपसे और दूर भागेंगे। हम सब जो है अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमारी केयर करते हैं, खुद की केयर करते हैं, हम ऐसे लोगों के पास ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और जो लोग ज्यादा रोना धोना करते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं, उनके साथ हम थोड़ी दूरी बना लेते हैं, क्योंकि हम खुद नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं रहना चाहते। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेल्फ लव, सेकेंड है ग्रेटिट्यूड। आप जो भी आपने मोमेंट्स पहले बिताए थे उनके साथ, उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करना है। और थर्ड क्या है कि आपको विजुअलाइजेशन करना है। और फोर्थ क्या है कि आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। आप क्या करेंगे रात में सोने से पहले, सबसे पहले आपने दिन भर सेल्फ लव किया, आप एफर्मेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपको एफर्मेशन लिखना नहीं आता तो आप मेरी एफर्मेशन ई बुक से सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, आप एफर्मेशन लिखेंगे, सेल्फ लव दिन भर प्रैक्टिस करेंगे, खुद की पैम्परिंग करेंगे, खुद का
ख्याल रखेंगे, आप ये दिखाएंगे कि आपको उनसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, आप अकेले ही खुश हैं। ठीक है, अकेले में खुश रहना भी बहुत बड़ी क्वालिटी है जो हर किसी के पास नहीं होती। इसके बाद आप रात में क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, विजुलाइज करेंगे। ग्रेटिट्यूड क्या चीज़ का करेंगे कि जो भी मोमेंट्स आपने साथ में बिताए हैं उसके लिए पहले आप ग्रेटफुल महसूस करेंगे, ताकि यूनिवर्स आपको और ऐसे मोमेंट्स दे जिससे कि आप वो आपकी लाइफ में वापस आए। ठीक है, इसके बाद आप विजुलाइजेशन करेंगे, वो सारे मोमेंट्स को याद करेंगे, उनको नर्चर करेंगे, उनके साथ एंजॉय करेंगे और चाहेंगे कि वो सारे मोमेंट्स फिर से वापस आए, तो उसके लिए आप थैंक यू बोलेंगे। साथ के साथ आप चाहें तो ऑप्शनल है कि आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, और मैंने पहले ही बता दिया कि आपको क्या नहीं करना है, डेस्परेट बिल्कुल नहीं होना है। अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट पार्ट में, तो मैं आपको बताने वाला हूं स्पेशल टिप। स्पेशल टिप ये है कि जब वो आपसे कॉन्टैक्ट बनाना चाहेंगे, ठीक है, आप केवल 10 मिनट में उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। केवल 10 दिन में आपकी रियलिटी बदलने लगेगी, वो आपसे कॉन्टैक्ट में आना चाहेंगे, और ये जो नो कॉन्टैक्ट रूल है ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। केवल 10 दिन के अंदर ऐसा हो सकता है, अगर आप इसको सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लास्ट में क्या करेंगे, स्पेशल टिप क्या है जो मैंने किया था कि जब उन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट में वापस आए थे मेरे पार्टनर, तब मैंने उनकी कंप्लेंट नहीं की, उनको जज नहीं किया, उनको ब्लेम नहीं किया, कुछ नहीं बोला। ठीक है, अगर वो कुछ नेगेटिव महसूस कर भी रहे थे तो मैं यहाँ से पॉजिटिव था और मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन के कारण वो भी पॉजिटिव फील करने लग गए थे मेरे लिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि उनको पता चला कि मैं एज ए इंसान चेंज हुआ हूँ, तो वो भी बदलने लगेंगे। जब आपका पार्टनर देखता है कि आप उसमें बदलाव आ रहा है, आपके पार्टनर में बदलाव आ रहा है, तब वो भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। जब वो देखते हैं कि सामने वाला वैसा ही है जैसा वो पहले था, तब वो हो सकता है कि वापस से नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाएं, और फिर आपको वही सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जो आप पहले महसूस कर रहे थे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अपनी स्टोरी जरूर शेयर करें जब आपका नो कॉन्टैक्ट जोन खत्म हो जाता है। और एफर्मेशन ईबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप एफर्मेशन लिखना सीख सकते हैं। मनी, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, बिजनेस, सारे एरिया से रिलेटेड मैंने एफर्मेशन दिए हैं, और आप केवल 10 मिनट में हिंदी, इंग्लिश, किसी भी भाषा में आप एफर्मेशन लिखना सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।